डोंबिवली में मामूली विवाद के चलते एक युवक को चार पहिया गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार डोंबिवली MIDC परिसर के एक होटल में खाना खाते समय कुछ लोगों में विवाद हो गया। होटल में झगड़ा शांत होते ही शशांक महाजन नामक युवक होटल से निकलकर पैदल सड़क से जा रहा था, तभी उसे अकेला जाता देख छह लोगों ने फोर व्हीलर गाड़ी से पीछे कर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। घटनास्थल पर मौजूद एक ट्रक चालक ने मानपाड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शशांक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस घटना में मानपाड़ा पुलिस ने महज 2 घंटों के भीतर ही CCTV की मदद से शशांक का मर्डर करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जिसके चलते इन युवकों ने शशांक को गाड़ी से कुचल कर उसका मर्डर कर दिया, पुलिस इसकी तहकीकात करने में जुट गई है। मानपाड़ा पुलिस के अंदर एक मर्डर का गुनाह दाखिल है, उसमें एक शशांक महाजन उसके दोस्त के साथ जो डोंबिवली में रहता है वो एक पार्टी के लिए गया था। पार्टी करने के बाद होटल के बाहर आने के बाद जो एक ये इस केस के जो आरोपी है, 6 आरोपी है, उनसे उनका झगड़ा हो गया। बाद में वो आरोपी निकल गए और बाद में वापस आके उनसे झगड़ा किया, मारामारी किया उसको। जब ये मैयत और वो उसका दोस्त नीचे गिर गए थे, वहाँ से फिर वो ये लोग आरोपी लोग गाड़ी वो गिरने के बाद भी उसके ऊपर से गाड़ी लेके गए। हमारे पुलिस ने 3 घंटे में टेक्निकल एविडेंस से आरोपी का इन्फॉर्मेशन लिया, उनको अरेस्ट कर दिया है। अभी आरोपी हमारे कब्जे में है।